Welcome students. Today we are starting with the chapter surface areas and volume. This is chapter number 13. Right? Now you can see here on the screen, here it is shown 2D shapes and 3D shapes. So first of all we will discuss about 2D shapes. Right? We have learnt about square, rectangle, circle, triangle. These all are 2D shapes because they have two dimensions and we can draw them on a plane surface. Right? Now we will talk about 3D shapes. 3D shapes को एक हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं, जैसे कि डायमेंशंस के नाम से ही क्लियर है. 3D मीन्स 3 डायमेंशंस होती हैं. तो आपकी 9th क्लास के सिलेबस में जो जो 3D शेप्स हैं वो इस तरीके से हैं. सबसे पहले है आपका क्यूब, सेकंड नंबर पे है आपका क्यूबाइड, थर्ड नंबर पे है आपका सिलेंडर, फोर्थ नंबर पे है आपका कोन, 5 नंबर पे है आपका स्फेयर एंड 6 नंबर पे है आपका हेमिस्फीयर. आपके सिलेबस में सिर्फ यही आपको 6 सॉलिड शेप्स के बारे में यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है, तो आप सभी को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम आप किस 3 डायमेंशनल शेप्स में हम किन किन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये क्यूब क्या है. क्यूब के अंदर क्यूब किस तरह का ऑब्जेक्ट होता है, आप बताइए. क्यूब एक ऐसा 3D शेप है जिसके अंदर सारे के सारे स्क्वायर फेसेस आपके जो हैं वो किस तरह के होते हैं, आपके स्क्वायर शेप के होते हैं. क्यूब इज मेड बाय 6 स्क्वायर आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस. राइट, यू कैन सी फ्रॉम योर डेली लाइफ ऑल्सो. जब हम लूडो खेलते हैं तो जो हमारा डाइस होता है वो भी आपका स्क्वायर शेप के उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ क्यूब. अगर आप शुगर क्यूब देखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ क्यूब. आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये आपका क्यूब का एग्जाम्पल है. ये इसकी एजेस कहलाती हैं, तो हम इसकी सारी एजेस ए मानकर चलते हैं क्योंकि ये स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना है और सारे के सारे आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस हैं. तो इसका मतलब सारी मेजरमेंट्स आपकी सेम है. चलिए अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की. टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इसके सभी 6 फेसेस के एरियाज का सम. अब आपके पास 6 एरिया सरफेसेस का एरिया मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 फेस. अब 1 फेस क्या है, स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड यानी कि ए स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो गया आपका 6a स्क्वायर. लेटरल सरफेस का मतलब होता है जब हम उसका बॉटम और टॉप को हम रिमूव कर देते हैं तो आपके पास जो बचे हुए 4 फेसेस होते हैं इसको हम कंसिडर करते हैं लेटरल सरफेस एरिया. अगर हम अपनी डेली लाइफ में से देखते हैं तो किसी भी रूम के जो 4 वॉल्स होती हैं दैट इज़ टू बी कंसिडर एज द लेटरल सरफेस एरिया. अगर हम उसका रूफ और उसका फ्लोर को रिमूव कर दें एक रूम में से तो जो 4 वॉल्स का एरिया होता है उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर क्योंकि हमने 2 सरफेसेस उसके रिमूव कर दिए. वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्योंकि क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है तो इसका हो जाएगा a इंटू a इंटू a. सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब. अब एक बार इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं क्योंकि जब भी हम एरिया की बात करेंगे उसका यूनिट होता है हमेशा आपका स्क्वायर. अगर आपके डायमेंशंस मीटर में हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर में निकलेगा. अगर डायमेंशंस सेंटीमीटर में हैं तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा. अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज़ योर क्यूब यूनिट. तो अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब. एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए, टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में TS से लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को LS से लिख सकते हैं और वॉल्यूम के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में V लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब आपको ये 3 फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लेने हैं कि हमें इसके अंदर क्यूब का तीनों फॉर्मूले आपको बताए गए हैं जो कि हमें इसमें अब याद करने हैं. ठीक है, चलिए अब हम क्यूबाइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. क्यूब के बारे में बात कर रहा था, अब हम क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे. क्यूबाइड के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं इस केस के अंदर, क्यूबाइड किस तरह का आपका शेप होती है. क्यूबाइड एक आप एग्जांपल लेंगे तो मैच बॉक्स लीजिए. मैच बॉक्स जो होता है दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबाइड, जिसकी सारी की सारी फेसेस आपकी किस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर ये आपका बनता है। अगर आप एक रूम को लेते हैं या किसी हॉल को लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबाइड। अब आप यहाँ देखिए ये फिगर आपकी क्यूबाइड की बन गई है। इसके अंदर ये वाली आपकी साइड एल कहलाती है, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी बी और दिस इज़ एच। आप देखेंगे इस क्यूबाइड के अंदर अपोजिट फेसेस जो होते हैं उनकी मेजरमेंट सेम होती है। ये आपका कहलाता है बॉटम, ये आपका कहलाता है टॉप। दिस इज़ योर लेफ़्ट फेस, दिस इज़ योर राइट फेस। ये वाला आपका जो है बैक फेस है और ये जो आगे वाला है ये आपका फ्रंट फेस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इसके 6 फेसेस का एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 × LB + BH + HL। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे है। देखिए अब इसको फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। अब देखिए आपका जो बॉटम है, बॉटम का एरिया क्या होगा, LB। ठीक है, अब LB आपका बॉटम का एरिया है तो आपका टॉप भी सेम है तो यहाँ पे हो गया 2 LB। ओके, यहाँ से दिख नहीं रहा, हम यहाँ पे शुरू करते हैं 2 LB। ओके, अब ये वाला आप देखिए ये क्या है, राइट फेस है। राइट फेस की मेजरमेंट है B और H तो आपका इसका हो गया 2 BH, क्योंकि 1 BH एरिया यहाँ से आएगा और 1 BH एरिया आपका यहाँ से आएगा। अगर हम फ्रंट वाला लेते हैं, फ्रंट की मेजरमेंट है L और H तो इसी तरह से, अच्छा इधर BH आना था आपका, फ्रंट वाले का एरिया है आपका L × H यानी कि 2LH। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो LB + BH + HL। नाउ दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो हम इसका बॉटम और टॉप रिमूव कर देंगे। तो बॉटम और टॉप रिमूव करेंगे तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 (BH + HL). अब इसमें से भी आप देख रहे हो ये H आपका कॉमन है तो आप यहाँ से H कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, B + L। अब B + L को अगर हम ठीक से लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे 2H / L + B यानी कि हमने L पहले लिख दिया और B बाद में। सो दिस इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। सो नाउ दिस इज़ 2H L + B। वॉल्यूम जैसे मैंने बताया था तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके होता है तो L × B × H। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। Okay, now let us see first question which is based on, this is based on these 2 formulas. Okay, let us see now. Question is, a plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter costs rupees, I think so this is 20, right? अब देखिए आपको एक प्लास्टिक बॉक्स है जो ऊपर से ओपनड है, इट इज़ ओपन एट द टॉप। जब भी कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ भी मेंशन किया हो तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे इन अ प्लास्टिक बॉक्स, जो भी आपकी शेप है आपको उसको लिखना है। इन अ प्लास्टिक बॉक्स, लेंथ आपकी क्या है 1.5 मीटर, B is your 1.25 meter and H is your 65 centimeter, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर क्योंकि आपके सारे यूनिट सेम होने चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो आपके पास आ गया 0.565 मीटर, राइट। अब आपको क्या निकालना है, कहाँ पे शीट, किस शीट से आप यूज़ करके आप इस बॉक्स को बना रहे हो, प्लास्टिक। तो शीट रिक्वायर्ड, अब आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, शीट रिक्वायर्ड टू मेक द प्लास्टिक बॉक्स। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। क्योंकि देखिए ये जो शेप है वो आपकी क्यूबाइड की है। क्यों क्यूबाइड की है, क्योंकि इसके अंदर LBH अलग अलग आपको दिया हुआ है, प्लस में आपको बॉटम लेना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ द बॉटम। राइट, आपको एरिया ऑफ द बॉटम लेना है, टॉप का आपका एरिया नहीं लेना है। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, और एरिया ऑफ द बॉटम का फॉर्मूला होता है a इंटू बी, राइट। तो सॉरी a इंटू बी नहीं, इट इज़ l इंटू बी, हमने यहाँ पे l और b को यूज़ किया हुआ है तो a इंटू बी नहीं लेंगे आप। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए, h है आपका 0.65, l है आपका 1.5, बी है आपका 1.25, और ये मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखिए, एल इज़ 1.5 इंटू 1.25 और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1.3, इसको जब आपने प्लस करा तो आपके पास आ गया 2.75 मीटर स्क्वायर, और जब आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.575 मीटर स्क्वायर। डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन करना सभी बच्चों को आना चाहिए अब तक, क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ गए हैं और अभी तक आपने ये सब मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो अब आगे हम मूव करते हैं। अब आगे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया है, अब हमें फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था 3.575 मीटर स्क्वायर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर, ये हमारा बॉटम का एरिया था, ये हमारा 4 वॉल्स का एरिया था, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसको हमें कैसे ऐड करना है, आई कैन शो यू फ्रॉम हियर दैट हाउ यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, राइट। डेसिमल के नीचे डेसिमल आप प्लेस करेंगे, 5 + 5 10, 1 आपका ऊपर गया, 15 का 5, 6, 14 का 4 एंड 1 ऊपर गया आपका, तो दिस इज़ 5, सो 5.45 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द sheet required to make the plastic box because it was open from the top, so we have to calculate the area of the 4 walls plus the area of the bottom. Now the second part is आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब आप देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी कि कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रुपये थी, 20 रुपीज़ थी। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट, क्योंकि प्लास्टिक शीट का बना हुआ है तो हमें बताना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर प्लास्टिक शीट इज़ ₹20। देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ, हमारे पास टोटल कितना एरिया है 5.45 मीटर स्क्वेयर, प्लास्टिक शीट इज़ ₹20 मल्टीप्लाई बाय 5.45, अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 109, तो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग दिस प्लास्टिक बॉक्स, राइट। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमने कैसे किया है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉरी, इसके अंदर ये देखिए फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड वाज फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमने निकाल लिया सबसे पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को जितने भी हम फॉर्मूलेस कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, जब तक आप ये फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस को कंफर्टेबली नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इन दोनों सॉलिड शेप्स के फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you and bye-bye.